नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ वह योग के शिक्षार्थियों का विषय है, रोग और योग। रोग और योग इन दोनों का समुच्चय है, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि रोग क्या होते हैं। शरीर के जो विभिन्न अंग तंत्र हैं उनसे संबंधित विभिन्न रोगों की हम बात करेंगे, उनकी पहचान कैसे आप करेंगे, उनके क्या लक्षण हैं, क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, और उसका योग में क्या उपचार है, यौगिक व्यवस्था क्या है, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक दोनों दृष्टिकोण से हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि रोग क्या है। रोग वह एक अवस्था है जिसमें शरीर की सामान्य प्रक्रिया प्रणाली अव्यवस्थित हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को जब परिभाषित किया तो उसमें स्वास्थ्य की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई वह एक अस्पष्ट और व्यवस्थित रूपरेखा थी, जिसमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, इन सब के बारे में बात हुई। यानी स्वास्थ्य केवल रोगों का शरीर में न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य है आप भौतिक रूप से भी स्वस्थ हों, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हों, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों। इन चारों स्फीयर्स में जब आप स्वस्थ हैं तब एक आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति बनती है। तो यह जो विषय है हमारा रोग और योग, यहाँ हम बेसिकली भौतिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल डिजीजेस के ऊपर फोकस करेंगे। तो फिजिकल डिजीजेस हमने आपसे पहले अपने कई लेक्चर्स में बताया है कि हमारा जो शरीर है इसका निर्माण विभिन्न अंग तंत्रों के द्वारा हुआ है और मुख्यतः 11 अंग तंत्र मिल करके शरीर को समग्र स्वरूप प्रदान करते हैं। तो रोग सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः देखिए तो रोगों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो दो प्रकार का है। एक एक्यूट डिजीजेस, दूसरा क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीज का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जिनका शीघ्र या बहुत तेजी से आगमन होता है, तेजी से प्रकट होती हैं शरीर के अंदर, एक निश्चित अवधि तक रहती हैं, फिर या तो पूर्णतः ठीक होकर के समाप्त हो जाती हैं या जीवन का अस्तित्व भी समाप्त कर देती हैं, यानी डेथ भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ क्रॉनिक डिजीज क्या है, जीर्ण अवस्था है, ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है। पहले कुछ कम लक्षण थे, क्रमशः लक्षणों की जो तीव्रता है बढ़ी, संख्या भी बढ़ी, तकलीफ भी बढ़ रही है, लंबे अवधि से चली आ रही है, ऐसी बीमारियां क्रॉनिक डिजीजेस कहलाती हैं। ये जड़ से तो ठीक नहीं होती हैं, या अगर ठीक भी हुई तो कुछ न कुछ अपने ऐसे पीछे सिक्वेली छोड़ देती हैं, ऐसे लक्षण छोड़ देती हैं जो पूर्ण आरोग्य नहीं हो पाते हैं। वो लंबे समय से, लंबी अवधि से बीमारियां चली जाती हैं, कभी कभी नहीं ठीक होती हैं तो इससे जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो इस क्रम में हम बेसिकली एक्यूट और क्रॉनिक इन दो प्रकार के डिजीजेस पे फोकस करेंगे। और सबसे पहले हम जिस अंग तंत्र के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब हो गया हमारा हृदय, वैस्कुलर का मतलब हो गया हृदय से जुड़ी हुई तमाम नलिकाएं जिनके द्वारा शरीर में रक्त प्रवाहमान हो रहा है। परिसंचरण रोग क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, इससे किन किन अंगों पर प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से अंग संबंधित हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य अंग है वो हमारा हृदय है, हार्ट। आप जानते हैं हृदय हमारे सीने के बीचों बीच अवस्थित है।
इसका जो स्वरूप है वो हमने अपने एनाटॉमी वाले लेक्चर में आपको बताया है। हृदय की रचना कैसे होती है, हृदय कार्य कैसे करता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। आप हमारे जो वीडियो अपलोड हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। अब जो रोग है इसमें दो तरह का समावेश हो रहा है। एक तो कोई ऐसी बीमारी हृदय की जो जन्मजात हो गई हो, पैदाइशी है, उसको कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। दूसरा एक्वायर्ड हार्ट डिजीज, जन्म के समय हृदय स्वस्थ था किंतु बाद के जीवन में हृदय में कोई रोग हमने एक्वायर किया, ग्रहण कर लिया। मुख्यतः जो एक्वायर्ड डिजीजेज हैं उसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज और इन्फेक्शस हार्ट डिजीज, दो तरह की बीमारियां होती हैं। हृदय के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया वो इन्फेक्शस हार्ट डिजीज हो गया, जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो गई, मायोकार्डाइटिस हो गई, हृदय की जो मांसपेशी है उसके अंदर कोई रोग हो गया, कार्डियोमायोपैथी जिसको कहते हैं वो हो गया। दूसरा जो है हृदय की मांसपेशी को, रक्त को जो ले जाने वाली नलिकाएं हैं वो कहीं सिकुड़ गईं, स्टिनोज हो गई, नैरो हो गई, जिससे जितना रक्त की मांसपेशी को, मायोकार्डियम को, हृदय की मांसपेशी जो मायोकार्डियम है उसको जितना रक्त चाहिए उतनी मात्रा में उस नलिका द्वारा वहाँ रक्त नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसको इस्चीमिया कहते हैं। इस्चीमिया का मतलब है कि जो डिमांड है ब्लड की और जो सप्लाई है उसमें अंतर आ गया है। आवश्यकता अधिक रक्त की है लेकिन जो सप्लाई हो रही है वो कम पहुंच रहा, इनएडिक्वेट सप्लाई हो रही, तो इसकी स्थिति को इस्चीमिया कहते हैं। और जब ये हृदय से संबंधित हो गई तो इसको मायोकार्डियल इस्चीमिया कहते हैं। अब मायोकार्डियल इस्चीमिया में जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, आपका हार्ट अटैक भी उसी वजह से हो रहा है, रक्त की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है और हार्ट अटैक हो गया, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है। या जो रक्त वाहिनियाँ हैं, नलिकाएं हैं, आर्टरीज हैं, वेंस हैं, खास करके जो आर्टरीज हैं उनकी जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक चौड़ाई है, वो कम हो गई, उसमें डिपोजिशन हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स का, फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, जिसके वजह से रक्त जो है पूर्ण रूप से जो विस्तृत मार्ग था उससे न जा करके संकुचित मार्ग से जा रहा है, तो मात्रा उसकी कम हो गई और दबाव भी बढ़ गया। तो इस तरह की दो प्रकार की बीमारियां हम अध्ययन करेंगे इस पर, इस्केमिक हार्ट डिजीज या इन्फेक्शस हार्ट डिजीज। ये तो नेचर ऑफ पैथोलॉजी हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि कैसे जानेंगे आप कि किसी को हृदय का रोग है, लक्षण क्या होते हैं हृदय रोग के। हम हर एक बीमारी का क्रमशः अलग अलग लक्षण बताएंगे, लेकिन एक जनरल जो आपका स्वरूप है कि हृदय रोग के मुख्य मुख्य लक्षण क्या हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहला लक्षण है सीने में दर्द, चेस्ट पेन। अगर सीने में दर्द हो रहा है, खास करके सीने के बीचों बीच हिस्से में अगर दर्द हो रहा है, तो ये हृदय का दर्द हो सकता है। और यह दर्द यदि आपके हाथ में जा रहा है, आपके जबड़े की तरफ जा रहा है, तो ज़्यादा संभावना है कि ये हृदय रोग है, हृदय का दर्द हो रहा है। दर्द के साथ में अधिक पसीना आ रहा है आपको, बेचैनी हो रही है, सांस लेने में घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सांस रुक जाएगी, तो ये हृदय की बीमारी की ओर संकेत कर रहा है। दूसरा लक्षण सांस फूलना,
जिसको कहते हैं डिस्निया। देखिए, सांस फूलने का लक्षण कई बीमारियों में मिलता है, लेकिन जो हृदय की बीमारी का लक्षण है, अगर हृदय खराब है, उसके वजह से सांस फूल रही है, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण साथ में और एक लक्षण आता है कि यह सांस फूलना मेहनत करने पे होती है। यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, थोड़ा सा दौड़ने की कोशिश किए, जरा से भी जहाँ आपने परिश्रम किया और उसके बाद आपकी सांस फूलने लगी, सीने में भारीपन आ गया, लग रहा है सीने पे कोई दबा रहा है बड़े जोर से, आपको दिक्कत हो रही है, आप बैठ जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के पश्चात यह तकलीफ ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार का जब सांस फूलने का लक्षण प्रकट होता है, तो इसको कहते हैं डिस्निया ऑन एक्सर्शन। डिस्निया का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत। ऑन एक्सर्शन, जब आप एक्सर्शन करते हैं, कोई परिश्रम करते हैं, उस स्थिति में अगर सांस फूल रही है, तो हृदय के रोग की तरफ इशारा कर रही है। तीसरा, जैसा हमने आपसे कहा, कमजोरी का अनुभव करना, शरीर में ऊर्जा का जो पहले आप अनुभव करते थे, ऐसा लगता है कि ऊर्जा कम हो गई शरीर में। लोग कहते हैं, बहुत कॉमन लक्षण बताते हैं, दम नहीं रह गया शरीर में, कोई कार्य नहीं कर पाते, थक जाते हैं, यह भी हृदय रोग का लक्षण है। यद्यपि थकान बहुत सारे और भी बीमारियों में अनुभूति होती है, किंतु हृदय के रोगियों में थकान का भी समावेश रहता है। चौथा एक और होता है, अगर तीव्रता रोग की बढ़ गई है, जब हृदय का फेल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। हार्ट फेल्योर भी हम आपसे बात करेंगे, राइट हार्ट फेल्योर और लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर, दोनों के अलग अलग लक्षण हैं, उसमें हम आपसे अंतर भी बताएंगे कि क्या अंतर होता है। तो मरीज जब बिस्तर पर जाता है, लेटता है, तो लेटने के बाद थोड़े समय के बाद उसको खांसी आने लगती है और सांस फूलने लगती है, और इतनी सांस फूलने लगती है, खांसी आने लगती है, कि वो उठ के बैठ जाता है, घबराहट होने लगती, बेचैनी होने लगती, उठ के बैठ जाता है, और बैठने के बाद उसका जो सांस फूलने का क्रम था, जो बेचैनी का क्रम था, धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसे कहते हैं ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब, जब मरीज लेटा हुआ है सीधा, उस समय उसको सांस फूलेगी, बेचैनी होगी, खांसी आएगी, और जैसे ही वो उठ के बैठ जाता है, तो धीरे 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 वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो ऑर्थोपनिया भी हृदय के रोग से संबंधित है। अगर ऐसा लक्षण कोई बताता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस मरीज को हृदय की बीमारी हो सकती है। ये जो मुख्य मुख्य लक्षण हैं, ये हमने आपसे बताया। अगर इनमें से दो लक्षण, तीन लक्षण, आपको जरूरी नहीं कि सारे लक्षण एक साथ ही मिले, क्योंकि जैसे जैसे रोग की तीव्रता बढ़ती है, डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती है, उसी प्रकार से लक्षणों की भी तीव्रता बढ़ती है। उसी प्रकार से धीरे धीरे मरीज को असहजता महसूस होती है। अर्ली साइंस में, अर्ली सिम्टम्स में हो सकता है आपको कुछ न मिले। मरीज से आप पूछे कि भाई सांस तो नहीं फूलती? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं फूलती, लेकिन हाँ थोड़ा कुछ दूर दौड़ लेते हैं, सांस फूलने लगती है। तो उस समय आप तो ये सोचेंगे कि भाई सामान्य अवस्था में भी अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसकी सांस फूलती है, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो हार्ट बार बार पंप कर रहा है, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तो हार्ट ही कर रहा है, फेफड़े की गति बढ़ गई, फेफड़ा जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। तो ये सामान्य प्रक्रिया फिजियोलॉजिकल है, लेकिन जब ये पैथोलॉजिकल हो जाती है, असामान्य हो जाती है, तब रोग की तरफ इशारा करती है। आप सांस फूलना शुरू हुआ, दौड़ना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी आप दौड़े चले जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही कि आपके सीने में दबाव पड़ गया, लग रहा है जान निकल जाएगी, दम घुट जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
लेकिन अगर रोग ग्रसित है तो आपको लगेगा रुको नहीं तो जान निकल जाएगी, एकदम घुटन जैसी महसूस हो रही, बेचैनी हो रही, आप गिर ही जाएंगे। तो यह भी सांस की जो इस तरह की दिक्कत आ रही है वो हृदय रोग से संबंधित हो सकती है। एक और लक्षण है, लोग बेहोश हो जाते हैं, अचानक बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। खास करके स्कूल्स में देखें, कॉलेजेस में देखें, प्रेयर के टाइम पे, जहाँ बच्चे प्रेयर के टाइम पे खड़े होते हैं, प्रार्थना जब करते रहते हैं, उस समय पे प्रायः है देखा जाता है कि कोई बच्चा गिर गया, फिर वो उठ जाता है, थोड़ी देर बाद पुनः ठीक हो जाता है। तो जो ट्रांजिएंट इस्चीमिया हो जाती है, आपके मस्तिष्क को क्षणिक जो है रक्त की सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, आप बेहोश हो गए, गिर गए। यह भी बेहोशी हृदय के ही वजह से होती है। तो हम इन तरह के जो बेसिक सिम्टम्स थे हार्ट डिजीज़ के, हमने आपको उसको बताया। अब हम क्रमशः बीमारियों की ओर चलेंगे और एक एक बीमारी को लेते हुए फिर उनके लक्षण क्या हैं और उन बीमारियों में योग को कैसे समाहित किया जाए, कौन सा योगासन किया जाए, कौन सा ध्यान किया जाए, कौन सी प्रक्रिया प्राणायाम की अपनाई जाए जो उससे हमें निरोग रख सके, उसके बारे में हम आपसे क्रमशः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।